फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। आज के एपिसोड में हम गीता के 13वें अध्याय के कुछ श्लोक लेंगे। पहले दो श्लोक हमने इसके पहले एपिसोड में उन पे बात की थी, उन दो श्लोकों पे, और आज हम श्लोक 3 के आगे चर्चा करेंगे उन श्लोकों पे। पहले दो श्लोकों में जो चर्चा हुई थी वो हुई थी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ ज्ञान है, तो उनके मत में यही यथार्थ ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है। तो भगवान ने शरीर के स्तर पर बताया था कि जो शरीर है, इदम शरीरम, यह शरीर क्षेत्र ऐसा कहा गया है, और जो शरीर और इसकी गतिविधियों को जानता है, जो जानने वाला तत्व है, उस वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और ये भी कहा था उन्होंने कि जो क्षेत्रज्ञ है वो मेरा स्वरूप है, मैं क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं ही विराजमान हूँ क्षेत्र के अंदर। तो और योगिक साइंस के माध्यम से हमने ये भी चर्चा की थी कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग है, ये हर स्तर पर है। ये जब एक में जब दो की कल्पना हुई, प्योर चेतन और प्रकृति की, सांख्य योग के अनुसार पुरुष और प्रकृति की, जब एक में दो की कल्पना हुई, तो वहीं से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग शुरू हो जाता है। तो जो चेतन तत्व है, प्योर पुरुष, तो वो हो गया क्षेत्रज्ञ, और जो प्रकृति है, पूरी प्रकृति, वो क्षेत्र हो गई उसकी। और फिर प्रकृति के अंदर, जिसके अंदर जीवात्माएं हैं, वो जो एक है, उसी का जो स्मृति के रूप में अंदर, प्रकृति के अंदर जो जीव के रूप में विद्यमान है एक, तो वहां पर भी बहुत सारे स्तर हैं, और हर स्तर पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। मनुष्य के स्तर पर जो हमारा शरीर है, भगवान ने इसमें ये बताया कि जो हमारा शरीर है ये क्षेत्र है, और शरीर के अंदर जो जानने वाला तत्व है वो क्षेत्रज्ञ है, और ये क्षेत्रज्ञ ही मैं हूं, मेरा स्वभाव है, मेरा रूप है। और जो मनुष्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को यथार्थ जानता है, वही सच्चा ज्ञान है। तो यहां तक हमने चर्चा की थी। अब हम तीसरा अध्याय से स्टार्ट करेंगे। मैं तीसरा अध्याय पढ़ूंगा, और भी अध्याय, तीसरा श्लोक, 13वां अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ूंगा, और भी श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें कि इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, लगभग 18 श्लोक तक लगभग लगभग एक ही बात की चर्चा है बहुत तरीकों से। तो वो मैं आपको 4-5 श्लोक पढ़ता हूँ, फिर हम योगी साइंस के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा जो श्लोक है 13वां अध्याय का, वो है, उसका हिंदी रूपांतरण है, वह क्षेत्र जो है और जैसा है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, वह क्षेत्र जो है और जैसा है, तथा जिन विकारों वाला है, और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। अगला सूत्र है, ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है, तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है, और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। तो भगवान इन दोनों सूत्रों में यही कहे गए हैं, ये वो यही कह रहे हैं कि इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा, वेदों द्वारा, ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा बहुत विभाग पूर्वक, बहुत प्रकार से ये कहा जा चुका है। पांचवे सूत्र में कहते हैं, मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है।
अब भगवान ने यहाँ पे क्षेत्र को विस्तार पूर्वक बताया कि जो क्षेत्र है, पहले दो सूत्र में बताया था शरीर के स्तर पर कि ये पूरे शरीर को ही क्षेत्र समझ, अब पूरे प्रकृति के स्तर पर, पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर बात कर रहे हैं भगवान। और वो ये कह रहे हैं कि मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, प्रकृति की जो समष्टि बुद्धि है, टोटल जो इंटेलिजेंस है, समष्टि अहंकार, हमारा और आपका अहंकार नहीं बल्कि पूरे प्रकृति का जो एक अहंकार, समष्टि अहंकार, कॉस्मिक ईगो, पांचों महाभूत, जो पांच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एक मन तथा पांचों इंद्रियों के 5 विषय, ये जो 24 तत्व हैं, इनको भगवान ने क्षेत्र कहा गया है, कहा है। ये सारे जो 24 तत्व वाला जो पूरा जो है, ये पूरा क्षेत्र है। फिर छठे सूत्र में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, चेतना यानी यहाँ पे प्राण शक्ति को चेतना कहा है, और धृति, धृति का मतलब धारणा, धारण करने की शक्ति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। तो 24 तत्वों वाला क्षेत्र, और ये जो सारे विकार हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात यानी विभिन्न शरीर का बनना, चेतना यानी प्राण शक्ति, और धृति, ये सारे विकार हैं। तो ये विकार सहित क्षेत्र हो गए 24 तत्व, और ये इनके विकार, ये तो पूरा क्षेत्र हो गया। फिर आगे भगवान ने बाकी सूत्रों में कहा है, जैसे सातवें सूत्र में, अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना, दिखावटीपन ना होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। और फिर अगले सूत्र में इसी तरीके से और भी, जिसको ज्ञान, सच्चा ज्ञान होता है, उसके गुण बताए भगवान ने, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी ना होना, और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना, ये सारी जो सारे जो गुण हैं वो उसके हैं जिनको ज्ञान है। तो ऐसे से बहुत सारे सूत्र हैं जिनमें कि उसकी भगवान ने व्याख्या की है। और फिर भगवान ने फिर परमात्मा का भी वर्णन किया है, जैसे सूत्र 16वें सूत्र में भगवान कहते हैं, परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं, और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। अब यहाँ पे परमात्मा की अपनी चर्चा करते हैं और उसी को जानने योग्य बताते हैं कि ये बताते हैं। फिर 17वें सूत्र में कहते हैं, परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं, वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। और ये मैं अंतिम सूत्र पढ़ूंगा, 18वां। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को, ज्ञेय यानी जो जानने योग्य है, जो जो मूल है, जो परमात्मा है, यहाँ पे भगवान मूल को परमात्मा कह रहे हैं, और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान ये कहते हैं कि जो इनको तत्व से जानता है, तत्व का मतलब यथार्थ से जानता है, कि यथार्थ में, सत्य में क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और इन दोनों का जो आदि कारण, जो परमात्मा है, जो मूल है, जिसको हम योगिक साइंस में, योगिक विज्ञान में हम एक कह रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहे हैं, वो मूल, तो जो इन तीनों को जानता है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और मूल को जानता है, तो भगवान कहते हैं वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी
मूल को प्राप्त हो जाता है। तो ये इन सारे सूत्रों का के बारे में हमने बात की। अब हम इसको यौगिक विज्ञान के, यौगिक साइंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अलग अलग स्तरों पर, हर स्तर पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। हर स्तर पर, पहले स्तर पर जो मूल है, मूल से जब दो की कल्पना हुई है तो वहां से ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शुरू हो जाते हैं। और प्रकृति के जितने भी लेयर्स हैं, बड़े से बड़े, व्यापक से व्यापक और छोटे से छोटे, हर जगह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। और इसके अंदर जो भगवान जो मूल बात ये कह रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझने के बाद, क्षेत्र को समझने के बाद आप ये समझिए कि ज्ञान, जिसको ज्ञान होता है क्षेत्र का, जिसको क्षेत्र का ज्ञान है और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, उसके गुण क्या क्या हैं, कि वो अहंकार से रहित होता है, जितने भी गुण भगवान ने बताए, वो उसमें मीन्स वो जो संसार में है, संसार में उसका मन ना लगना, मित्रों में ज्यादा प्रीति ना होना, बहुत सारे गुण बताए हैं। और फिर अंत में मूल के बारे में इशारा किया है, यानी उसको परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा जो जानने योग्य है वो सिर्फ परमात्मा है, सिर्फ मूल है। योगिक साइंस में जो भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं, जहां से भी वो स्टार्ट हुआ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और पूरे प्रकृति के अंदर, पूरे विस्तार में, जहां पे भी है, वो सारा कल्पना के अंदर है, सारा काल्पनिक है। तो योगिक साइंस में ये सब काल्पनिक जगत की बातें हैं कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, जो जो ज्ञानी है उसके ये गुण है, ये ऐसा है वैसा है, सारी चीजें, और जितने भी विभाग हैं वो सारे समय के अंदर है, काल के अंदर है। और जो मूल है, जो परमात्मा, वो कल्पना से परे है, कल्पना से बाहर है, वो काल्पनिक में नहीं है। उसके अंदर कल्पना है, सारी चीजें उसके अंदर हो रही हैं, मगर है कल्पना में। कल्पना का मतलब हुआ मूल से दूर, उतनी ही दूरी जो कल्पना की दूरी होती है, मूल और कल्पना। दूरी का मतलब यहां से, दूरी का मतलब यह है कि पूरा जो आयाम है वो ही अलग है, डायमेंशन ही अलग हो गया। मूल का डायमेंशन अलग हो गया। मूल का मतलब जहां पे हम ये नहीं कह सकते कि मूल का डायमेंशन क्या है, मगर हम एक नेगेटिवली बता सकते हैं कि मूल का मतलब ये हुआ कि जहां पे कोई भी कल्पना नहीं है, समय स्थान स्थिति का कोई बोध नहीं है, वहां पर बोध जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, उसकी अपनी एक्टिविटी, अपनी चेतना है, वो अलग बात है, मगर हम हमारे स्तर पर काल्पनिक जगत के अनुसार वहां पर कोई समय का, कोई स्थान का ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो भगवान उसके, उसको परमात्मा की स्थिति बता रहे हैं। तो जानने योग्य सिर्फ वही है, मगर उसका जो जानना है, जो मूल का जानना है, वो जैसे हम यहाँ पे जानते हैं, संसार में जानते हैं चीजों को, वस्तुओं को, इंद्रियगत जानते हैं या बुद्धिगत जानते हैं, तो वहां पे वो वैसा जानना नहीं है। वहां पे जानने का मतलब हो गया कि यहाँ का ना जानना, है ना। हमने एक बार चर्चा की थी, हमने एक शिव का सूत्र लिया था, उस सूर, ये शिव का दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधनम और ज्ञान बंधनम, ऐसे सूत्र है कि ज्ञान बंधन है। तो ज्ञान बंधन कहाँ के लिए है? मूल के लिए है। यहाँ का ज्ञान बंधन है मूल के लिए। तो मूल को जानने का मतलब दूसरा जानना है। मूल का मतलब होता है कि कल्पना रहित हो जाना, कल्पना तीत, वो मूल को जानना हो गया। वो मूल को जानना भी नहीं होता, वो हो गया एक तरीके से बस मूल। हम कुछ शब्दों के द्वारा हम उसको कह नहीं सकते कि मूल के अंदर स्थिति हुई या मूल को जानना हो गया, क्योंकि सारे शब्द यहाँ के हैं, काल्पनिक जगत के हैं। तो योगिक साइंस के माध्यम से हम यही समझ सकते हैं कि भगवान ने जो भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो भी बातें कही हैं,
और ज्ञानी के जो भी लक्षण गए हैं वो सारे काल्पनिक जगत में हैं, मगर जो परमात्मा को जानना है, जो मूल को जानना है, वो सिर्फ और सिर्फ सारी कल्पनाओं से परे हो जाना है। अब मैं शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि इन श्लोकों पे योगिक साइंस के माध्यम से कुछ प्रकाश डालें और गहराई से चीजों को बताने का प्रयास करें। इसमें योगिक साइंस के माध्यम से आपने बहुत सारा बता दिया कि ये जगत जो है काल्पनिक है, और जितने भी जो चीजें इस श्लोक में, जो शब्दों इस श्लोकों के में जो शब्द आए हैं वो सभी के सभी वेद से लिए गए हैं, ब्रह्म सूत्र से लिए गए हैं, ऋषियों ने कहा है। ये जो शब्दों है, शब्द लिए गए हैं, ये सब के सब क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए हैं, क्षेत्र से। तो ज्ञान ज्ञान को जानने के लिए ये उसमें बताए गए हैं कि ये उसका विस्तार है। किसका? क्षेत्र का विस्तार है, ज्ञान विस्तार है। और ज्ञान विस्तार के साथ साथ ये बताना बड़ा जरूरी है योगिक साइंस के माध्यम से कि कोई जब ज्ञान होता है तो ज्ञान का अनुभव वस्तु पदार्थ का या शब्द का या किसी चीज का प्रभाव या दुष्प्रभाव, या उसकी सुरक्षा करना या उनपे वार करना, ये सब चीजें जो ज्ञान में आती हैं ये बिना अनुभव के ये हो नहीं पाती हैं। तो अनुभव का होना जरूरी है। आपने इसमें काल शब्द नहीं आया था, काल भी आपने बताया। जो ये चीज काल्पनिक बताई है, हम भी इसे ये शब्दों को काल्पनिक इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ तक भी कि वेद भी काल्पनिक हैं। ये जो हमने ये बताया था कि जो एक है वो द्वैत हुआ, तो इसलिए वो ऐसे द्वैत हुआ क्योंकि उसमें दो स्थिति है, तो एक फूलने की और एक फूल करके जो फूलता है वही सिकुड़ता है, मगर जो रिक्त को कवर करता है वो एक स्थिति है उसकी। तो वो स्थिति को कवर कर लेता, फिर उसे वो फ्री कर देता, छोड़ देता है, तो इसलिए वो द्वैत हुआ, चार नहीं हुआ, छह नहीं हुआ, वो द्वैत हुआ। और जो द्वैत हुआ है वो उसमें एक अंडे में अनेक, बार बार बता रहे हैं कि अनेक आत्माएं हैं, तो अनेक जीव हैं, तो जो अनेक जीव हैं वो द्वैत से सीधे अनेक हुआ है, द्वैत से तीन नहीं हुआ, एक से तो द्वैत हुआ, और द्वैत से तीन नहीं हुआ, छह नहीं हुआ, 18 नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधे अनेक हुआ है। और इतने अनेक हुए हैं कि किसी भी काउंटिंग के बस की बात नहीं है, इतना अनेक हुआ है। तो वो जो ये बात हम बता चुके थे, मगर इसमें काल्पनिक की हमने शायद पहले बताया है कि काल्पनिक जो स्थिति है कि कल्पना कहाँ से इसमें जन्म हुई है। तो जो परमात्मा है जब नीचे की तरफ गिरता है, जो उसकी गति बनती है, तो गति बनती है, तो वो परमात्मा तो एक है, मगर एक है तो एक होने के कारण वो नीचे की तरफ आता तो पीछे का एरिया उसका वो वहां पे वो मौजूद नहीं है, मगर वहां पर उसकी जाने की रास्ता या लाइन या शब्द की घनघनाहट या उसका प्रकाश, ये चीज वहां मौजूद है उसकी, वहां पर ये चीज उसमें मौजूद है। इससे ये प्रमाण होता है, प्रमाणित होता है कि वो जो परमात्मा है जो यहाँ से गुजर के गया है वो है नहीं यहाँ, मगर उसके कुछ यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें रह गई हैं, वो जो उससे उत्पन्न हुई हैं वो रह गई हैं। तो वो रह गई हैं तो उन चीजों को हम काल्पनिक कहते हैं कि वो मौजूद नहीं है, तो कल्पना कहते हैं। तो जो आप जैसे कि दिल्ली से बॉम्बे एक आदमी चला गया है, तो जिस रूट से गया है वो रूट में उसकी बाकायदा टिकट और ये सब सारे सबूत मौजूद हैं, तो उन डॉक्यूमेंट से उस बंदे तक पहुंचा जा सकता है। अर्थात ओरिजिनल कॉपी को ढूंढने के लिए अगर किसी के हाथ में फोटो कॉपी है तो वो फोटो कॉपी मिलाए मिलाते रहे, भाई साहब ये नहीं, फिर दूसरे से और से ओरिजिनल से मिलाए, नहीं नहीं ये नहीं, वो कहीं ना कहीं उसको ओरिजिनल को ढूंढ लेगा, तो वो ऐसे ढूंढ ले लेगा। तो ये जो फोटो कॉपी हम काल्पनिक कहते हैं, वो जो जा चुका है उसका रास्ते में कुछ सबूत छूटे हैं वो काल्पनिक,
तो ये जगत ऐसे काल्पनिक, ऐसे नहीं है कि ये वो दो वहां रह गए और एक वहां रह गया और जगत अपने में जाकर के बन गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, जगत उसी की कल्पना है मगर उसी की गति से ये और उसी उसी प्रकृति के जो एक अंडा है उसी की सारी यूनिटों से, उसी की सारी ब्रह्म या कहोगे कंप्लीट ब्रह्म को, ब्रह्म में बहुत सारी स्थिति जो आप सत्येंद्र ने बताया कि बहुत सारे श्लोक में विभाग बताए इन्होंने अपने लेयर बता दी, तो वो जो चीजें बताएं बिल्कुल योगिक साइंस के माध्यम से बिल्कुल करेक्ट बैठती हैं, सही है कि वो ब्रह्म में बहुत सारी लेयर हैं, बहुत सारे विभाग हैं, तत्व हैं, अहंकार मन है, सूक्ष्म है, स्थूल है और जीवन है, और वो भी साथ में श्लोक में ये भी कह रहे हैं कि अलग अलग विकारों वाले शरीर, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि किसी को सांस है किसी को नहीं है, किसी को पूंछ है किसी को नहीं है, कोई हाथी है कोई पक्षी है, कोई उड़ लेता कोई जमीन पर चलता, कोई रेंगता कोई क्या करता, कोई पेड़ है कोई पौधा है, कोई पहाड़ है कोई पर्वत है कोई सूरज है, ये अनेक है, ये अनेक है, तो इनके अपने अनेक अनेक विकार हैं, अनेक अनेक उनके स्तर हैं और अनेक अनेक उनके क्षेत्र हैं और उनके अपने विकार जो भी सूत्र में बताया कि उनमें विकार हैं ये सारे, और उनके जो तत्व बताए तत्व भी हैं, 24 तत्व बताए, वो सब चीजें हैं उनमें भले ही प्रकट ना हो, कि ऐसा कोई शरीर हो जिसमें सभी चीजें प्रकट हो और ऐसा शरीर हो जिसमें दो ही चीजें प्रकट हो, बाकी 22 चीजें हो सकता है कि उसमें बीज रूप हो प्रकट रूप में ना हो, मगर ऐसा नहीं है कि इसमें दो दी गई हैं और इसमें भाई साहब 22 रख ली गई हैं, ऐसा नहीं होता है, पूरी है पूरी मगर वो सूक्ष्म रूप में है, प्रकट रूप में कितने क्या है इस चीज को इस श्लोक में बताया गया है, इसी चीज को योगिक साइंस के माध्यम से हमने बहुत सारा बताया है, तो हमारे ये गीता के श्लोक और जो हम योगिक विज्ञान पे अभी तक एपिसोड बनाते चले आ रहे हैं ये बिल्कुल सटीक बैठते हैं, कहीं जहां शब्दों का जाल आज जैसे आज इस श्लोकों में आया है हमने इसको काल्पनिक की तरह लिया, हम भी काल्पनिक बता रहे हैं और हमने काल्पनिक की स्थिति भी आपको बताई, अगर यहाँ शब्द जाल है तो हमने वहां बताया कि जो करता है तो शब्द कर रहा है उसमें शब्द हो रहा है जी। वो स्थिति तो उसकी एक की नहीं है मगर वहां उसका यहाँ काल्पनिक में शब्द मौजूद है जिससे वो पकड़ा जा सकता है, तो ये जो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि वो भाव रूप मुझे रहे मेरे को मतलब मेरी उपासना कर भाव के साथ मैं मुझे प्राप्त होगा, वो ठीक ही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही योगिक साइंस के माध्यम से बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी भी योगिक साइंस यही कह रही है, तो ये इस विषय पे है मेरा कहना। तो ठीक है शर्मा जी, आज के सूत्र आज के जितने भी सूत्र हमने लिए उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और जो भगवान कह रहे हैं जो ये है जिसको जानना जो जानने लायक वही है मतलब कि परमात्मा या मूल, और उसकी हमने योगिक साइंस के माध्यम से व्याख्या करने की कोशिश की, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी देख रहे हैं आपको समझ में आएगी और ऐसे ही हम और भी सूत्रों पे चर्चा करेंगे आने वाले सूत्रों पे योगिक साइंस के माध्यम से। धन्यवाद।